हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से। मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड, मैंने इस दीवार से सारे पौधे हटा दिए और मैं कुछ सोच रही हूँ इस दीवार को थोड़ा पेंट करने का, क्योंकि मेरी इस दीवार पे प्लास्टर नहीं हो रहा है तो थोड़ा मुझे अच्छा सा नहीं लगता, तो इसको मैं अच्छा बनाने की सोच रही हूँ। और फ्रेंड, ये काम मुझसे अकेले नहीं होगा, तो मैं किसी की हेल्प भी लूँगी। तो वही मैं दिखा रही थी आपको कि ये वाली बॉल दीवार मैंने पूरी खाली कर दी है और इसके पौधे मैंने उठा के एक तरफ रख दिए। तो फ्रेंड, मैंने अपने पौधे मधुमालती के नीचे ही रखे हुए हैं, इस साइड में। सारे पौधे मेरे इधर ही आ गए हैं। और फ्रेंड, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है तो मुझे इसको बचाना भी था, क्योंकि ये छोटे छोटे पोटों में लगे हुए हैं, तो मैंने इसी मधुमालती के नीचे रख दिया। इतने छाया रहती है इसके नीचे। तो फ्रेंड, मैं इसी तरह से दीवार को थोड़ा अच्छा बनाने की सोच रही हूँ। वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगी, थोड़े से पैसे में अच्छा बनाऊँगी, अकेले ही हो पाएगा मुझसे, तो मैंने किसी की हेल्प भी ली है। ये फ्रेंड देखो, मैंने सारे पौधे फ्रेंड बहुत कठिन कटिंग से बना रखे हैं। और अब गर्मी हो गई है तो इनकी देखभाल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये फ्रेंड मेरे सारे फ्री के प्लांट हैं, मुझे कोई नर्सरी वगैरह नहीं जाना पड़ा। अब मेरे इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, क्योंकि दीवार को मैंने खाली किया है तो जहाँ मुझे जगह लगी कि धूप इस तरफ कम आएगी, ये मैंने मनी प्लांट इसमें लगा दिए, दीवारों में ये हैंग सा कर दिया इसमें, और मैंने इसके ऊपर रख दिया। अभी मैं हटा लूँगी, अभी मैं हटा हटा के रख रही थी ना, तो इसीलिए मैंने दीवार के ऊपर रख दिया। पर मैं दीवार के ऊपर नहीं छोड़ूंगी इन्हें, किसी के ऊपर गिर भी सकते हैं आते जातों के ऊपर, तो मैं सभी को हटा लूँगी। तो फ्रेंड, जो इस दीवार को मैं जब अच्छा बनाऊँगी तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसा बनाऊँगी, और बहुत थोड़े से खर्च में ही इसको अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। ये सारे पौधे मैंने इसनी को बचाने के चक्कर से मैंने मधुमालती के नीचे रख रही हूँ, क्योंकि बहुत धूप बहुत तेज है। तो फ्रेंड, मैं इस तरह से इसको मैं बनाऊंगी। तो फ्रेंड, मैंने अकेले नहीं हो पाया फ्रेंड, मैंने किसी की मदद ली है। कुछ कुछ मैंने किया है, कुछ कुछ मेरी एक जिठानी की बेटी आ रखी है, उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है कि मैं बनाती हूँ इस दीवार को थोड़ा अच्छा। तो फ्रेंड, उन्हीं ने बनाया, मैं तो कुछ थोड़ा जो उनकी हेल्प करूँगी, बस उन्होंने मुझसे ये बोला था कि मुझे मत दिखाना। किसी किसी को अच्छा लगता है यूट्यूब पे आना, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने उनको एडिट करते टाइम फेस हटा दिया है। और इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है फ्रेंड, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग वगैरह नहीं आती है, बहुत कम आती है, आती है पर इतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी इनको आती है। और अगर किसी से हमें हेल्प लेनी है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। सभी काम सभी को करना नहीं आता है, तो इसलिए मैंने अपनी जिठानी की बेटी है तो बेटी ही लगती है मेरी, तो मैंने इन्हीं से हेल्प ली है। देखो कितना सुंदर बना रही हैं। तो फ्रेंड, मैंने इस बेकार सी दीवार को इसी तरह से अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको दिखाने की कि मैंने इस
बहुत थोड़े से बजट में ही किया है मैंने, ये ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करा मैंने और बनने के बाद ये बहुत सुंदर दीवार लग रही है मेरी। मैं आपको किसी उसमें फुल उसमें दिखाऊंगी। ये मैंने इसलिए ली इस तरह से कि वो जो गुड़िया है वो ना आए, जो थोड़ी थोड़ी हेल्प है फ्रेंड वो मैंने की है। फ्रेंड इसी तरह से वो बना रही हैं। और ये बनने के बाद फ्रेंड बहुत सुंदर लग रही है। इसकी पूरी पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर लग रहा है ये। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक फ्रेंड ज़रूर करना। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे आगे बढ़ने का के लिए प्रेरित होती हूँ मैं कि मुझे मेरे लिए हौसला मिला है कि आपके प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना ही है। बहुत अच्छा लग रहा है ये। मैं आपको पूरा ज़रूर दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। अगर मैं इसमें नहीं दिखा पाई पूरी तरह से तो मैं आपकी अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और फ्रेंड मैं इसके पास हैंग करूंगी ब्रांड छोटे छोटे, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फ्रेंड मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, मुझे सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।